Next question number 8. An investor wants to receive 6,000 semi-annually for 8 years from a savings scheme which yields 10% interest per year compounded semi-annually. How much he should place in the account to obtain payments? Basically, वो आज amount कोई deposit करवाएगा और उसके बाद अगले 8 साल के लिए उसने 6,000 पर सेमी एनुअल विड्रॉ करवाने हैं। तो आज वो कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाए, हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है और मल्टीपल अमाउंट्स हैं तो एनुइटी है और एनुइटी ड्यू है क्योंकि मेंशन नहीं है एट स्टार्ट, तो बल्कि वो मेंशन है बिगिनिंग 6 मंथ्स फ्रॉम द डे ऑफ डिपॉजिट यानी कि 6 महीनों बाद, तो पहली अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमी एनुअल है तो ये ऑर्डिनरी एनुइटी है। तो ऑर्डिनरी एनुइटी का फार्मूला क्या है, अमाउंट तो अमाउंट है 6,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर, आर कितना है 10% पर एनम, लेकिन सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है तो पर सेमी एनुअल कितना हो जाएगा 5% यानी कि 0.05 रेज टू पार 8 ईयर्स में कितने सेमी एनुअल्स हैं -16 ओल डिवाइडेड बाय 0.05 लिखें या खाली 0.05 लिखें एक ही बात है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 65,026.62 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, अ फर्म विल नीड 300,000 एट एंड ऑफ 3 ईयर्स टू रीपे अ लोन। फर्म ने लोन रीपे करना है 3 लाख रुपया कब, 3 सालों बाद। तो ये 3 लाख क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। द फर्म डिसाइड टू डिपॉजिट 20,000 ईच क्वार्टर ड्यूरिंग दीज 3 ईयर्स, तो हर क्वार्टर में 20,000 डिपॉजिट करवाना है, मल्टीपल अमाउंट्स हैं तो मल्टीपल अमाउंट्स में फ्यूचर वैल्यू 3 लाख है और अमाउंट जो है वो 20,000 है। पूछ वो ये रहा है कि विल द फर्म एक्यूमुलेट एनफ अमाउंट इन दिस अकाउंट टू पे द लोन। तो हम 20,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी कि फ्यूचर वैल्यू आएगी कितनी। तो फ्यूचर वैल्यू 20,000 अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, अब आर कितना दिया हुआ आपको 16% पर एनम, लेकिन कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, तो पर क्वार्टर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4% आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.04 रेज टू पार कितने अरसे बाद चाहिए, 3 साल बाद, 3 सालों में कितने क्वार्टर्स हैं 12, तो रेज टू पार 12 माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 0.04 जो के आर है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 3,516,000। तो उसको चाहिए कितना है 3 लाख, तो उसके पास एनफ अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, तो आंसर क्या है, यस सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ फर्म हैज सेट अप अ कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी होती है कोई भी एक फ्यूचर इवेंट है उसके लिए उसको पैसे चाहिए हैं। फंड यील्डिंग, यील्ड क्या होता है, जो रिटर्न आपको मिल रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है वो 16% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्वार्टरली में तो वो 4% आ जाएगा। द फर्म विल बी एबल टू डिपॉजिट 10,000 इन टू द फंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल बाद की हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो अगेन हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अमाउंट वो कितनी डिपॉजिट करवा रहा है 10,000 इनटू 1 प्लस 0.04 होल रेज टू पार, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं जी 3 साल हैं, 3 सालों में कितने क्वार्टर बनेंगे 12 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 0.04, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,50,200
58.05 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अब स्ट्रेट वे प्रेजेंट वैल्यू आ गई, अल्फा कंपनीज शेयर्स विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ₹3.84 एवरी 6 months। अब उसने ये तो बता दिया कि हर 6 महीनों में वो हमें कितना रिटर्न देगा, कितनी अमाउंट मिलेगी, वो है 3.84, लेकिन कितने अरसे के लिए मिलेगी, तो ड्यूरेशन जो है वो अननोन है। तो जब ड्यूरेशन आपकी अननोन होगी तो ये बेसिकली क्या है, इनडेफिनेट टाइम है, और इनडेफिनेट टाइम का मतलब क्या है, परपेचुटी का क्वेश्चन है। तो परपेचुटी की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एवरी 6 मंथ है, इफ द मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 6% जो है वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो पर 6 मंथ कितना हो जाएगा, 6 / 2, 3%। अब परपेचुटी का जो फार्मूला है वो क्या है, अमाउंट डिवाइडेड बाय आर, तो ये क्या आ जाता है, प्रेजेंट वैल्यू। अमाउंट हमें कितनी मिल रही है, 3.84 डिवाइडेड बाय आर, कितना हमने कैलकुलेट किया, 0.03, तो आंसर कितना आएगा, 64। तो ऑप्शन डी है, इस क्वेश्चन का जो आंसर गिवन है वो गलत है, तो ऑप्शन डी 64। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,000 रिसीव्ड एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड नेक्स्ट 4 years इफ द एप्लीकेबल रेट इज 7% पर एनम। 15,000 रुपया उसको इस साल के आखिर में मिलेगा और फिर अगले 4 साल भी उसको हर साल 15,000 रुपया मिलता रहेगा, यानी कि 15,000 रुपये की 5 payments उसको मिलनी है, ये मिलने हैं फ्यूचर में। तो हमने फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीपल अमाउंट्स है तो मल्टीपल अमाउंट्स में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 1 - 1 + आर। अब आर कितना है, 7% पर एनम। कंपाउंडिंग किस तरह से हो रही है जी, उसने हमें नहीं बताया, तो जब नहीं बताया तो इसका मतलब है कंपाउंडिंग जो है वो ईयरली ही हो रही है, तो हम 0.07 ही लेंगे, और रेज टू पार नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 डिवाइडेड बाय 0.07। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 61,502.962 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जी, अ फर्म वांट्स टू एस्टेब्लिश अ लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड फॉर यूनिवर्सिटी। एक फर्म है जी, वो कोई यूनिवर्सिटी की हेल्प करना चाहती है, और हेल्प क्या करना चाहती है कि वो उसको एक अमाउंट जो है, और वो अमाउंट कितनी है, 25,000 हर 6 महीने बाद देना चाहती है, लेकिन फर्म ये चाहती है कि वो अमाउंट डिपॉजिट कर दे और वो 25,000 रुपया 6 महीनों बाद उसी में से निकलवा के देती रहे। द फंड यील्ड्स अ 10% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 10% कितना है, ईयरली है, पर एनम है, तो पर सेमी एनुअल कितना हो जाएगा, 5%। अब फर्म लाइब्रेरी को कितने अरसे हेल्प करना चाहती है, ये इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड है, तो अगेन क्वेश्चन जो है वो किसका है, परपेचुटी का। व्हाट इज द इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, और बता भी दिया उसने, परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब ये थोड़ी सी सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज है कि फर्स्ट पेमेंट जो है वो प्रिंसिपल से हो रही है, यानी कि फौरी तौर पर जो उसने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं उसी वक्त उसमें से पेमेंट करेगा, अगर तो फर्स्ट पेमेंट में इंटरेस्ट भी शामिल होता तो वो फिर पहली पेमेंट 6 महीनों बाद दे रहा होता, अगर फर्स्ट पेमेंट वो प्रिंसिपल में से दे रहा है तो इसका मतलब है फर्स्ट पेमेंट जो है वो फौरी तौर पर करनी है। तो अब हम क्या करेंगे जी, परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू हमने
फाइंड करनी है, तो वो क्या है, अमाउंट कितनी है 25,000 डिवाइडेड बाय 0.05, और चूंकि परपेचुटी ड्यू है तो प्लस अमाउंट 25,000, तो ये आंसर आ जाएगा 5,25,000 ऑप्शन ए। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मिस्टर बी इज एम्प्लॉयड एज एन एग्जेक्टिव एंड हिज प्रेजेंट एज इज 50 ईयर्स, हिज प्रेजेंट सेविंग इज वर्थ ₹100,000, इट इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, ही इज ड्यू टू रिटायर एट द एज ऑफ 60 ईयर, करंट कितनी है 50 साल, 10 साल बाद यानी कि एट द एज ऑफ 60 ईयर वो रिटायर हो जाएगा, ही विशेज टू रिसीव ₹80,000 पर एनम फॉर 10 ईयर आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के बाद ये चाहता है कि वो क्या करे, 80,000 एक फंड में से अगले 10 सालों के लिए विदड्रॉ करता रहे। द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट देन विल बी 9%। अब होगा क्या, हम 1,00,000 उसका ऑलरेडी जो है वो डिपॉजिट है, अब अगर ये 50 साल से लेके 60 साल तक डिपॉजिट रहे, सिंगल अमाउंट है, तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट की कितनी थी, अमाउंट जो कि 1,00,000 है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, आर कितना है 10% यानी कि 0.10^n, तो कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है, एनुअली हो रही है, तो नंबर ऑफ ईयर 10, तो ये फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी कितनी, 2,59,374। अब उसके अलावा वो क्या चाहता है, हाउ मच अमाउंट शैल ही सेव एंड डिपॉजिट एनुअली एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड नेक्स्ट 9 ईयर दैट इज अप टू हिज रिटायरमेंट टू अचीव हिज एम। अब ये पैसे तो उसके ऑटोमेटिकली इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस उसने एक अमाउंट डिपॉजिट करवानी है अगले 10 साल के लिए जो कि हमें नहीं पता, और वो अमाउंट कितनी है रेट पे वो डिपॉजिट करवा रहा है, हिज रिटायरमेंट टू अचीव हिज एम, ही कैन एम प्रोवाइडेड ही कैन अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन हिज एनुअल सेविंग अप टू हिज रिटायरमेंट ऑन एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस। अब वो एक अमाउंट और भी उसने जमा करवानी है, कितने अरसे के लिए, 10 सालों के लिए, और वो किस रेट पे है, 8% पे, तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई किया, अमाउंट इनटू 1 प्लस 1.08 रेस टू पार, साल कितने हैं 10, सॉरी ये 1.08 में वो 1 तो खुद ही ऐड हो गया, माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 0.08। अब ये दोनों अमाउंट्स जो हैं, एक जो 1,00,000 उसने डिपॉजिट करवाया हुआ है और एक जो ईयरली वो अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा, तो उससे उसके पास एक अमाउंट क्यूमुलेट हो जाएगी जो कि 10 साल बाद उसके अकाउंट में पड़ी हुई होगी। अब 10 साल बाद का मतलब ये है कि वो कितने साल का हो गया, 60 ईयर का। अब यहां से ऑनवर्ड उसने 70 ईयर की एज तक क्या करना है, अमाउंट विड्रॉ करवानी है। तो अब हमने 60 से ऑनवर्ड देखना है कि वो कितने विड्रॉ करवाना चाहता है, 80,000। तो अब अगर वो 80,000 विड्रॉ करवाना चाहता है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो उसकी इतनी इकट्ठी होनी चाहिए कि वो अगले 10 साल जो है वो 80,000 विड्रॉ करा सके। तो जो यहाँ पे अमाउंट एक्यूमुलेट हुई हुई होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो वो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, 80,000 उसको चाहिए है, और उस वक्त इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 9%। तो 1 माइनस 1.09 रेस टू पार माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 0.09।
अब इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी आपके पास जो कि उसने डिपॉजिट करवानी है, तो वो आएगी 17,536.14 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जी। अ पर्सन कैलकुलेट्स दैट बाय डिपॉजिटिंग 12,500 ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही शैल बी एबल टू एक्यूमुलेट रुपीज 1,50,000 एट द टाइम ऑफ एनथ डिपॉजिट। पर ईयर वो कितना डिपॉजिट करवा रहा है 12,400, फ्यूचर में कितना इकट्ठा हो जाएगा 1,50,000, लेकिन वो कितने अरसे बाद इकट्ठा होगा ये हमें नहीं पता। एनथ डिपॉजिट तो नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है 4%, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1,50,000, अमाउंट कितनी है 12,500 मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला 1+0.04 होल रेस टू पार, एन हमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता, -1 होल डिवाइडेड बाय 0.04। तो अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.48 इज इक्वल टू 1.04 रेज टू पार एन। दोनों तरफ लॉग लें तो लॉग 1.48 इज इक्वल टू लॉग 1.04 रेज टू पार एन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग 1.48 इज इक्वल टू लॉग 1.04 रेज टू पार सॉरी एन इधर आ जाएगा, अब एन इधर ही रहने दें तो लॉग 1.48 डिवाइडेड बाय लॉग 1.04, तो एन आपके पास कितना आ जाएगा 10 ईयर ऑप्शन सी।